कांग्रेस की सरकार को गए 100 दिन पूरे हो गए हैं। कांग्रेस इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र कर गिराया है, इसलिए काला दिवस मनाया जा रहा है। सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इसे काला दिवस के रूप में बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर चुनी गई सरकार को गिराया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मोरवा सहित जिले के कई जगह कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में कांग्रेसियों ने जिले में अलग अलग जगह मोरवा बेड़न शहर में कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार फेल हो गई है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि जो आज देश की स्थिति है, कहीं ना कहीं सरकारें मूल समस्याओं को छोड़ के आज देशद्रोह का काम कर रही हैं और मूल मुद्दों को भटकाने का कार्य कर रही हैं। आज हर व्यक्ति को राशन की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुँचा रही है। मैं ट्रांसपोर्ट परिवहन अध्यक्ष जिला सिंगरौली के नाते आपको बताना चाहता हूं कि आज ट्रांसपोर्ट की स्थिति ये हो गई है कि गाड़ी वालों को 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज भाड़े बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं के भाड़े हैं नहीं, और डीजल का रेट इतना बढ़ गया है कि डीजल की वजह से आपको बता दें कि जो पुराने भाड़े थे उन भाड़ों में डीजल का भी पैसा वसूल नहीं हो रहा है, और आज स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। और जो स्थिति सरकार ने बना के रखी है, यह स्थिति अगर ऐसे ही 2-3 महीने 4 महीने देश की रही तो ये समझ लीजिए देश पुनः सन 47 की तरह गुलाम हो जाएगा और हम सरकारों के अधीन हो जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।